धरती पर सबसे खूबसूरत है कश्मीर, और कश्मीर में टेम्परेचर का टॉर्चर ऐसा है कि वहां पर टेम्परेचर माइनस डिग्री में पहुंच गया है। इस बीच वहां पर जो सैलानी पहुंच रहे हैं वो डल झील में जमी बर्फ की वजह से शिकारे का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन वो मायूस ना हो इसलिए बर्फ को तोड़कर शिकारे को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। यह जमीन पर छोटा सा हिस्सा कहलाता कश्मीर है। बेनजीर वादियों से रोशन होती एक खूबसूरत तस्वीर है। फिरदौस की ये पंक्ति धरती के उस जन्नत के लिए लिखी गई है जिसे देखने की तमन्ना हर शख्स की होती है, और इसी ख्वाहिश को पूरी करने लोग पहुंचते हैं कश्मीर, जिसकी पहचान है डल झील। ये कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। आपने जमा हुआ झील कभी देखा था? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत है। सर्दी कितनी है? सर्दी नहीं, मुझे नहीं लग रही। तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। -8 डिग्री में सैलानी गर्मी का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि वर्षों की मुराद आज पूरी हुई है। डल झील को नजदीक से देखने की, झील में शिकारे में सैर करने की। बाजी आप बताइए, डल झील कभी देखी है ऐसी तस्वीरों में, फिल्मों में जिसमें जमी हुई हो? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। हालांकि अभी डल झील जमी हुई है, लेकिन फिर भी सैलानियों के लिए बर्फ को तोड़कर शिकारों को चलाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को निराशा हाथ न लगे। यहां आए सैलानी इस पल को ताउम्र संजोना चाहते हैं। कोई कैमरे में तस्वीर कैद कर रहा है तो कोई झील के पानी को हाथों से छूना चाहता है। बेनजीर कश्मीर की खासियत भी यही है कि जो यहां आता है उसी का हो जाता है। श्रीनगर से इरफान कुरैशी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कश्मीर की आपने रिपोर्ट देखी, वहां ठंड प्रचंड है। ताजा अपडेट बताने के लिए महराज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। महराज, टेम्परेचर का टॉर्चर इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है, और सर्दी के सितम से स्थानीय लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात है? बिल्कुल अंजलि, बता दें अगर हम कल की बात करें तो कल न्यूनतम तापमान जो था बिल्कुल 30 वर्षों का रिकॉर्ड जो है न्यूनतम तापमान ने तोड़ दिया। अगर आज की बात करें तो हल्की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है रात को देखी गई, उससे थोड़ी बहुत राहत है। अभी अगर हम बात करें तो अभी -2 है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी -2 टेम्परेचर है, और जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आज हल्की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा जो है न्यूनतम तापमान में राहत देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो +5 के ऊपर जा नहीं रहा है, जिससे यहाँ पे दिन में भी जो है तापमान जो सर्दी है उसका प्रकोप जो है देखने को मिलता है। मौसम विभाग ने 18 और 19 के बाद मौसम में थोड़ा परिवर्तन जो है उसकी आशंका जताई है, और संभावना जताई है कि इसके चलते जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखी जा रही है उसके चलते बारिश और बर्फबारी जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होगी वो संभावना है। और अगर कहें तो अभी तक जो है कुछ दिनों और कश्मीर की जनता को जो है ऐसी सर्दी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल महराज, और ऐसे में खास करके कश्मीर के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन जो निर्देश दे रहा है उसको फॉलो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका दिल्ली के हाल बताने के लिए, और महराज कश्मीर की ताजा अपडेट देने के लिए। तो दो सहयोगी हमारे दो शहरों का हाल बता रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।